हेलो जैन साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसगढ़ में। तो हम सब लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन द्वितीय चरण। इससे पहले प्रथम चरण हो चुका है, द्वितीय चरण 1915 से लेके 1935 के बीच में हम सब लोग द्वितीय चरण को देखेंगे। इससे पहले फर्स्ट चरण हो चुका है, आप सब लोग प्ले स्टोर में जाके उसको चेक करके आप सब लोग देख सकते हैं। ये जो टॉपिक है बीपीएससी जो टीचर ले रहा है उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो कि सिलेबस में ये मेंशन कर दिया गया कि भारत राष्ट्र आंदोलन से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो हम सब लोग वही उसी को देखते हुए हम सब लोग स्टार्ट कर रहे हैं भारत राष्ट्र आंदोलन का दूसरा चरण। प्रथम चरण हो चुका है, आप सब लोग उसको जाके देख सकते हैं। चलिए देखिए जो जो इम्पोर्टेंट है, ये सब जितना भी चीज़ है एनसीईआरटी का दिया हुआ है। देखिए ये एनसीईआरटी का दिया हुआ है, तो देखिए सबसे पहली बात तो इस चरण की सबसे उल्लेखनीय घटना महात्मा गांधी का भारत आगमन तथा उनकी राष्ट्र आंदोलन का नेतृत्व संभालना था। ये दूसरा चरण जो स्टार्ट होता है, महात्मा गांधी जो भारत में जो आगमन होता है उसका राष्ट्र आंदोलन का नेतृत्व संभालना था, जिससे आंदोलन की दिशा दोनों परिवर्तित हो गए। यहाँ से राष्ट्र आंदोलन के गांधीवादी चरण का आरंभ हुआ। अब देखिए प्रमुख अधिवेशन आंदोलन एवं धाराएं। देखिए लखनऊ अधिवेशन जो होता है 1916 में भारतीय राष्ट्रवादी भावना और राष्ट्र एकता की आकांक्षा के कारण वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ऐतिहासिक महत्व की दो घटनाएं हुई। पहली क्या होती है? पहली, कांग्रेस के दोनों दल नरम दल एवं गरम दल पुनः एक हो गया। लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल और गरम दल एक हो गया। दूसरी, लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों में समझौता हो गया। लखनऊ अधिवेशन में उग्र राष्ट्रवादियों के प्रवेश के कारण निम्न थे। उग्र राष्ट्रवादी के प्रवेश हुआ लखनऊ अधिवेशन में, इसमें जो कारण था पुराने विवाद अब अर्थहीन हो गए थे। आपसी मतभेद के कारण कांग्रेस राजनीतिक निष्क्रियता का शिकार हो गई थी। उसके बाद देखिए बाल गंगाधर तिलक था एनी बेसेंट द्वारा इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे। गोपाल कृष्ण गोखले था फिरोज शाह को देहांत हो जाने के कारण व्यापक विरोध की संभावनाएं कम हो गई थी तथा बंगाल तथा बाल गंगाधर तिलक ने भी घोषित किया कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के पक्षधर हैं न कि पूर्ण स्वतंत्रता, उन्होंने इसे स्वराज कहा। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन सूरत फूट के बाद एकता का पहला अधिवेशन था। इसने स्वशासन के लिए संवैधानिक सुधारों की मांग की। देखिए ये महत्वपूर्ण है, वर्ष 1916 में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का अधिवेशन लखनऊ में हुआ। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन कर रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना था। कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को समीप लाने में एनी बेसेंट का महत्वपूर्ण भूमिका थी। पूछेगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग को समीप लाने में किसका योगदान था? एनी बेसेंट का महत्वपूर्ण योगदान था। देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग की यह एकता कांग्रेस लीग समझौता पर हस्ताक्षर के साथ स्थापित हुई। इस समझौते को समांतर लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। अब देखिए आगे है जो जो इंपॉर्टेंट है हम उसको कर दिए हैं अंडरलाइन। लखनऊ समझौता का महत्व, देखिए सरकार ने राष्ट्र जनमत को संतुष्ट करने के लिए 20 अगस्त 1917 को घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्य के अखिल अंग के रूप में भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की दृष्टि से स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास करना उनकी नीति थी। इसके पश्चात जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा की गई। अब देखिए होम रूल लीग आंदोलन 1916 में, वर्ष 1915-16 में होम रूल लीगों की स्थापना की गई। इनमें से एक लीग के नेता बाल गंगाधर तिलक थे तो दूसरे के नेता एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर थे। होम रूल आंदोलन के दौरान ही तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज हमारा जनसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। होम रूल के दौरान ही तिलक ने नारा दिया था, क्या नारा दिया था? स्वराज हमारा जनसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। आगे देखिए इस होम रूल लीग के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार ने शीघ्र ही दमन का मार्ग अपनाया। जून 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया था, किंतु जनता के विरोध के कारण विवश होकर सरकार ने सितंबर 1917 में उन्हें छोड़ दिया। एनी बेसेंट को जून 1917 में गिरफ्तार किया और 1917 सितंबर में छोड़ दिया। बाल गंगाधर तिलक को होम रूल लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत एवं बरार तक था। बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैटिस्टा थे। बाल गंगाधर तिलक के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैटिस्टा थे तथा सचिव एनसी केलकर थे। सचिव कौन थे? एनसी केलकर थे। एनी बेसेंट ने 1916 मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की तथा जॉर्ज को अपना पहला अपने लीग का सचिव बनाया। एनी बेसेंट की लीग से सुब्रमण्यम अय्यर, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, बीपी वाडिया जैसे नेता जुड़े। अब देखिए यहां दिया हुआ मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद एनी बेसेंट अपनी होम रूल लीग का कार्य बंद कर दिया तथा तिलक के वैलेंटाइन चिरोल इंडियन अरेस्ट के लेखक
थे कौन? वैलेंटाइन चिरोल कौन थे? इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे। बंद कर दिया था जिला के वैलेंटाइन चिरोल पर मौन होने का मुकदमा करने के लिए लंदन जाने के कारण यह आंदोलन नेतृत्व विहीन होकर समाप्त हो गया। अब देखिए आगे है गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 जून 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। 1894 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने नटाल भारत राष्ट्र कांग्रेस की गठन किया और फिर और इंडियन अधिनियम नामक एक अखबार का प्रकाशन भी किया। इंडियन अधिनियम नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया था? गांधी जी ने किया था। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रथम बार प्रयोग वर्ष 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य हेतु अहिंसक संघर्ष। अब देखिए सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी ने हेनरी डेविड थोरे के निबंध सिविल डिसओबीडियंस से ली थी। गांधी ने सत्याग्रह की प्रेरणा किससे ली थी? हेनरी डेविड थोरे के निबंध सिविल डिसओबीडियंस से ली थी। भारत आगमन पर गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले के परामर्श पर गांधी जी ने 2 वर्षों 1915-16 तक पूरे देश में भ्रमण किया। तत्पश्चात उन्होंने वो वर्ष 1917-18 में 3 प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व किया। देखिए पहला आंदोलन था ये बहुत इंपॉर्टेंट है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। वर्ष 1917 का चंपारण बिहार सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था और वो भी तिनकठिया पद्धति पर था। बिहार में तिनकठिया पद्धति में पनीर की खेती करने पर उसे छुटकारा पाने से किसानों ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रण किया था। इस पर गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, जेपी केवलानी, नरहरि पारिक और महादेव देसाई के साथ वर्ष 1917 में चंपारण पहुंचे और किसानों की स्थिति की विस्तृत जांच पड़ताल की। किसके किसके साथ गए थे? गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, जेपी केवलानी, नरहरि पारिक और महादेव देसाई के साथ 1917 में चंपारण पहुंचते हैं। गांधी जी आयोग को यह समझाने में सफल रहे कि तीन कठिया पद्धति समाप्त होना चाहिए। गांधी जी सफल हो गए। अब आगे है अहमदाबाद मिल मजदूर 1918। वर्ष 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के मजदूरों और मिल मालिकों के एक विवाद से हस्तक्षेप किया। यहां पर मालिकों एवं मजदूरों में प्लैग बोनस की लेकर विवाद था। इस आंदोलन के दौरान स्वयं गांधी जी ने मजदूरों की ओर से आमरण अनशन किया। गांधी जी के अनशन ने मिल मालिकों पर दबाव डाला जिससे वे मजदूरी में 35% की वृद्धि दर सहमति हो गई। इस आंदोलन में मिल मालिकों में से एक अंबालाल साराभाई की बहन अनसुईया बहन ने गांधी जी का साथ दिया था। अंबालाल साराभाई की बहन कौन थी? अनसुईया बहन ने गांधी जी का साथ दिया था। कहां? अहमदाबाद मिल मजदूर में। अब देखिए आगे है खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह वर्ष 1918 में गुजरात के खेरा जिले में किसानों की फसल नष्ट हो जाने पर भी सरकार ने लगान छोड़ने से इनकार कर दिया और पूरा लगान वसूलने के निर्देश जारी किया। अतः किसानों ने आंदोलन का आरंभ किया। इस आंदोलन में गांधी जी ने किसानों का साथ दिया। उन्हें सलाह दी कि जब तक लगान में छूट नहीं मिलती वे लगान देना बंद कर दें। अंततः सरकार ने केवल उन्हीं किसानों से लगान वसूलने से आदेश दिया जो लगान दे सकते थे। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हो गया। खेरा सत्याग्रह के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुयायी खेरा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी बने थे खेरा सत्याग्रह में। अब देखिए इसके बाद आता है रोलेट एक्ट। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश में फैल रहे राष्ट्रीयता की भावना था। क्रांतिकारी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार को पुनः शक्ति का आवश्यकता था क्योंकि भारत रक्षा अधिनियम जिसे युद्ध काल में सरकार विरोधी तत्वों के दमन के लिए पास किया गया था वह अवधि समाप्त हो गई थी। इस संदर्भ में सिडनी डॉलेट की अध्यक्षता में एक सोडिशन समिति का गठन 10 सितंबर 1917 किया गया था। कब सोडिशन समिति गठन? सोडिशन समिति का गठन 10 सितंबर 1917 को किया गया। इस समिति की को यह जांच करना था कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध रखने वाले षड्यंत्र कहां तक विस्तृत है और इनसे निपटने के लिए किस प्रकार के कानूनों का आवश्यकता है। रॉलेट समिति ने अपना रिपोर्ट अप्रैल 1918 में पेश किया। 18 मार्च 1919 को क्रांतिकारी अराजकता अधिनियम को पारित कर दिया गया। इस अवधि में 3 वर्ष ही थे इसे ही रोलेट एक्ट कहा जाता है। अब देखिए रोलेट एक्ट का प्रावधान क्या था। इस एक्ट में सरकार को अधिकार प्राप्त था कि वह किसी भी भारतीय पर मुकदमा में अदालत में मुकदमा चला सकती है और दंड दिए बिना जेल में बंद कर सकती है। इस एक्ट के दौरान कैदी को अदालत में प्रत्यक्ष उपस्थित करने में कानून को भी निलंबित कर दिया गया। एक्ट का विरोध देखिए बहुत जोर शोर हुआ। केंद्र विधानमंडल में जब भारतीयों का विरोध विधेयक को कानून बनाने में नहीं रोक पाया तो मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजलूल हक ने केंद्र विधानमंडल के सदस्य से त्यागपत्र दे दिया।
कौन कौन त्याग पत्र दिया? मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजरहुल हक ने केंद्र विधानमंडल सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। अब देखिए आगे है, 30 मार्च 1919 को दिल्ली से सत्याग्रह प्रारंभ हो गई। स्वामी सदानंद के जुलूस पर पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई। अमृत बाजार पत्रिका ने इसे भारी भूल तथा बॉम्बे क्रॉनिकल ने इसे दमन का चरम रूप कहकर पुकारा। इस एक्ट को भारत जनता ने काला कानून तथा बिना अपील बिना दलील का कानून बिना वकील का कानून की संज्ञा देकर इसकी आलोचना की। इस घटना के पश्चात गांधी जी को पंजाब तथा दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी पलवल में प्रवेश के समय गिरफ्तार कर लिए। गांधी जी को 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी पलवल हरियाणा में जब प्रवेश कर रहे थे तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी के गिरफ्तार के विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार ने बंबई से जाकर रिहा कर दिया गया। इस एक्ट के विरोध में बंबई में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा बनाई जिसके सदस्य जमनालाल बजाज, जमनादास, द्वारकादास, शंकरलाल बैंकर, उमर सोमानी, बीजी हारमोनी आदि थे। गांधी जी के नेतृत्व में 30 मार्च 1919 की तिथि एक अखिल भारत सत्याग्रह आंदोलन के लिए निर्धारित की गई। 30 मार्च 1921 को अखिल भारत सत्याग्रह आंदोलन के लिए निर्धारित की गई थी। यद्यपि इसे बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दिया गया। सत्याग्रह द्वारा हिंसा का मार्ग अपनाए जाने के कारण गांधी जी ने 18 अप्रैल 1919 को अपना सत्याग्रह वापस ले लिया। अब देखिए 13 अप्रैल 1919 को, यह बहुत ही बड़ी घटना होती है भारत में। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में लोग 10 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह पर गोली चलाने तथा कांग्रेसी नेताओं डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सफेदुद्दीन किचलू गिरफ्तार का विरोध कर रहे थे। कांग्रेसी नेता सत्यपाल एवं डॉक्टर सफेदुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। अमृतसर का तत्कालीन ब्रिटिश कमांडर जनरल डायर इस सभा के आयोजन से अत्यंत परेशान हुआ और उसने जलियांवाला बाग के चारों ओर से घिरकर वहां एकत्रित लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। गोलीकांड में हजारों लोग मारे गए तथा घायल हुए। इस हत्याकांड के पश्चात पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। इस घटना के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था, जबकि सैन्य अधिकारी कौन थे, रेगिनॉल्ड रेक्स डायर था, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था। आगे है जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी नाइट हुड की उपाधि वापस दे दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। इस हत्याकांड के विरोध में सर शंकर नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया। किसने, गवर्नर जनरल सर शंकर नायर ने। ब्रिटेन में डायर की प्रशंसा में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स में भाषण दिए गए तथा उसमें ब्रिटिश साम्राज्य का शेर बताया गया। ब्रिटिश साम्राज्य का शेर किसको बताया गया? डायर की प्रशंसा में। अब देखिए हंटर कमीशन आती है इस जांच के लिए। कांग्रेस के बार बार आग्रह पर एक व्यापक असंतोष को ध्यान में रखकर घटना की जांच के लिए 19 अक्टूबर 1919 को हंटर आयोग की गठन की गई, घोषणा की गई। इस कमीशन में भारत सदस्यों में चमनलाल सितलवार, पंडित जगत चरण नारायण तथा साहिबजादा सुल्तान अहमद खान शामिल थे। हंटर कमीशन ने डायर पर कोई दंडात्मक या अनुशंसात्मक कार्रवाई की सिफारिश नहीं की। हंटर आयोग। अब देखिए मालवीय समिति बना कि कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए मदन मोहन मालवीय समिति का गठन किया। इस समिति में मोतीलाल नेहरू थे, गांधी जी, सी आर दास, अब्बास रत्तैयब जी तथा एम आर जयकर शामिल थे। इसके तहकीकात कमेटी भी कहा जाता है, मालवीय कमेटी। खिलाफत आंदोलन 1919। भारतीय मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि तुर्की के साम्राज्य को हानि न पहुंचाया जाएगा, लेकिन युद्ध के बाद तुर्की का विघटन कर दिया गया। तुर्की के साथ हुए अन्याय के विरोध में 1919 में मोहम्मद अली तथा शौकत अली, जिसे अली बंधु कहा जाता है, अबुल कलाम आजाद, हसरत मोहानी और अन्य लोगों के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने अपने पत्र कॉमरेड के माध्यम से खिलाफत आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। मोहम्मद अली और शौकत अली का पत्र कौन था? कॉमरेड के माध्यम से अपने खिलाफत आंदोलन का प्रचार प्रसार करता है। कौन था उसका पत्रिका? कॉमरेड। इस आंदोलन को चलाने के लिए जो खिलाफत कमेटी बनी थी उसमें गांधी जी भी शामिल थे। गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के अवसर के रूप में देखा। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। 27 नवंबर को इसका पहला सम्मेलन दिल्ली में अबुल फजल की हक की अध्यक्षता में हुआ। अगले दिन सम्मेलन में अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। अब देखिए वर्ष 1920 के आरंभ में गांधी जी ने घोषणा की कि खिलाफत का प्रश्न संवैधानिक सुधारों तथा पंजाब के अत्याचारों से भी अधिक महत्वपूर्ण है।
यह तुर्की के साथ शांति मुसलमानों को संतुष्ट नहीं करती तो वे असहयोग आंदोलन करेंगे। जून 1920 में इलाहाबाद में सभी दलों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें स्कूल, कॉलेज और अदालतों के बहिष्कार का कार्यक्रम किया गया। खिलाफत आंदोलन ने 31 अगस्त 1920 को एक असहयोग आंदोलन का आरंभ किया तथा इसका नेतृत्व गांधी जी को सौंपा गया। अब देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बीच में चलता है। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसका अध्यक्ष था लाला लाजपत राय। इस अधिवेशन में गांधी जी की इस योजना को स्वीकृति मिली कि जब तक पंजाब था खिलाफत संबंधी अत्याचारों पर उचित कार्रवाई नहीं होती और स्वराज की स्थापित नहीं होती तब सरकार से असहयोग किया जाएगा। असहयोग के प्रमुख कार्यक्रम। कलकत्ता कांग्रेस के विशिष्ट अधिवेशन में कांग्रेस सरकार के असहयोग के निम्न कार्यक्रम थे: सरकारी शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार, अदालतों एवं विधानमंडलों का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का त्याग, सरकारी उपाधियों एवं सम्मान का त्याग, सरकारी नौकरी से इस्तीफा, खादी वस्त्रों का उपयोग, सरकारी करों का भुगतान करना और सरकारी कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन 1920 के अध्यक्ष एम वीराघवाचार्य थे। अब देखिए असहयोग आंदोलन के अभूतपूर्व दौर। जुलाई 1921 में एक प्रस्ताव पारित करके खिलाफत आंदोलन ने घोषणा की कि कोई मुसलमान भारत की सेना में भर्ती नहीं होगा। सितंबर में राजद्रोह का आरोप लगाकर अली भाइयों को कैद कर लिया गया। सरकार ने अदालतों को समाप्त करने के लिए दमन का सहारा लिया। असहयोग आंदोलन को दमन का सहारा लिया। वर्ष 1921 के अंत तक गांधी जी को छोड़कर सभी महत्वपूर्ण नेता तथा 3000 अन्य लोग जेल में बंद हो गए। गांधी जी को छोड़कर अभी तक गांधी जी गिरफ्तार नहीं हुए थे। आगे है नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत भ्रमण के दौरान उनका व्यापक विरोध हुआ और दिसंबर 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में इस बात का संकल्प किया गया कि स्वराज स्थापित होने तक अहिंसक आंदोलन जारी रहेगा। असहयोग आंदोलन की प्रगति। देखिए, पंजाब के सशक्त अकाली विद्रोह उत्पन्न हो गया और जो आरंभ में धार्मिक सुधारवादी आंदोलन था लेकिन कुछ समय के लिए असहयोग आंदोलन के साथ एक रूप हो गया और नवंबर 1925 में सिख गुरुद्वारा एवं श्राइन एक्ट के द्वारा गुरुद्वारों का नियंत्रण शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के हाथों में दे दिए जाने से यह आंदोलन समाप्त हो गई। 1 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने घोषणा की कि यदि 7 दिनों के अंदर राजनीतिक बंदी रिहा नहीं किए जाते हैं और प्रेस पर सरकार का नियंत्रण समाप्त नहीं होता है तो वे करों को गैर अदायगी समेत एक सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेंगे। गांधी जी ने यह घोषणा कर दिया था कि 1 फरवरी 1922 तक को महात्मा गांधी ने घोषणा कर दिया कि यदि 7 दिनों के अंदर राजनीतिक बंदी को रिहा नहीं किया जाते और प्रेस पर सरकार का नियंत्रण समाप्त नहीं होता है तो वे करों की गैर अदायगी समेत एक सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। चोरी चोरा कांड एवं असहयोग आंदोलन के स्थगित। देखिए 5 फरवरी को क्या होता है 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर 3000 किसानों ने कांग्रेस जुलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलाने से नाराज भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला करके आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना से व्यथित होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित की घोषणा कर दी। असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाता है। असहयोग आंदोलन के बाद की राजनीतिक स्थिति। देखिए इस प्रकार पहला असहयोग और नागरिक अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। ब्रिटिश सरकार ने अशांति फैलाने के अभियोग में गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया और 6 वर्ष की कैद की सजा सुना दी गई। गांधी जी को 10 मार्च 1922 को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। देखिए इसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है असहयोग आंदोलन के समय वर्ष 1920 में गांधी जी अपना केसरी हिंद पदक वापस कर दिया गया असहयोग उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। 1920 में कलकत्ता में एक कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। वर्ष 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। उसके बाद असहयोग आंदोलन के समय मोहम्मद अली जिन्ना, G.S. कापरे, बिपिन चंद पॉल और एनी बेसेंट जैसे नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने कांग्रेस छोड़ दी?
मोहम्मद अली जिन्ना, जी एस कापेड़े, विपिन चंद्रपाल और एनी बेसेंट जैसे नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस को छोड़ने वाला नेता। देखिए उसके जो समकालीन आंदोलन चल रहा था, झंडा सत्याग्रह चल रहा था 1923 में कांग्रेस के ध्वज के प्रयोग रोकने के विरुद्ध। एक था वालसार सत्याग्रह 1923 में, गुरुबाग सत्याग्रह 1922-23 में था, तारकेश्वर सत्याग्रह 1924 में एक भ्रष्ट महल के विरुद्ध स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रारंभ हुआ था तारकेश्वर सत्याग्रह, और वायकॉम सत्याग्रह केरल में हुआ था मंदिर में प्रवेश हेतु टी के माधवन के द्वारा, वायकॉम सत्याग्रह टी के माधवन। तो इस तरह से हम सब लोग आज इतना ही रहने देते हैं। आगे जो होगा होगा स्वराज पार्टी होगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आगे जो होगा स्वराज पार्टी होगा 1923 से होगा। यह बीपीएससी के एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।